मेरा ये है कि अनिल एक सेकुलर इंसान था, इसके लिए हम बोथ कम्युनिटी जो हैं पुरजोर अल्फाज में गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी जो है एक सीटिंग हाई कोर्ट के जज के जरिए होनी चाहिए और ये जो है ऐसा निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि किश्तवाड़ को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये 1993 से सेलेक्टेड किलिंग्स जो है यहाँ एक पेशा बन चुका है। हम मांग करेंगे दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से कि आज मौका आया है, इसमें सिटिंग सेशन सिटिंग हाई कोर्ट का जज जो है इंक्वायरी करनी चाहिए और हर तरफ इसका ध्यान जो है इंक्वायरी के हर पहलू पर नज़र डालनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि ये किसी मिलिटेंसी का होगा। जिस दौर में मिलिटेंसी थी तो तब मिस्टर अनिल कुमार जो थे वो हम लोगों के साथ पेशा हम इकट्ठे पॉलिटिक्स में निकलते थे। आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंट थी, लेकिन तब भी वो जो थे वो भरपूर किसी मिलिटेंट ने उस पर बुरी नज़र से तक कभी नहीं देखा, न कभी उनकी किसी से कंट्रावर्शन हुई है। हम फिर एक बार इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से इस्तदा करेंगे कि इसकी इंक्वायरी जो है वो हाई लेवल पे कराई जाए। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिशियन का भी हाथ हो सकता है? हो सकता है, इसमें पॉलिटिशियन अराइवली भी हो सकती है, इसमें पॉलिटिकल अराइवली भी हो सकती है। ये कोई दूर की बात तो नहीं है, ये नई बात नहीं है, देखना चाहिए, इसकी तरफ भी जानिब भी ख्याल रखना चाहिए। आप 30-40 साल से अनिल परिहार को जानते हैं, जब आपने ये सुना तो आपके जहन में क्या स्ट्राइक हुआ? मैं एक्चुअली उस वक्त जम्मू में था, जब मुझे ये इतला मिली तो मेरे पैर के तले से जमीन खिसक गई और मैं पहले यकीन ही नहीं करने लगा कि इस किस्म के सेकुलर कैरेक्टर को किश्तवाड़ से जो है वो उसको हलाक किया जाए। यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज की किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की है, मुस्लिम कम्युनिटीज की हुई है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी किलिंग, जिसकी भी किलिंग हुई, पनिशमेंट किसी को आज तक नहीं हुई। अगर किसी मामले में पनिशमेंट हुई होती तो हम ये चीजें जो थी ये रुक सकती थी। इस रफ्तार से तरक्की हो रही थी, न मालूम किसको ये खुश नहीं आया। इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है और इससे भी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं कि ये दहशतगर्दाना हरकत भी हो सकती है, मिलिटेंट्स रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो इंसानियत से बईद, हजारों मील कोसों मील वो इंसानियत के जहन से दूर है और वो किश्तवाड़ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बहुत बड़ा दुश्मन है, किश्तवाड़ की तामीर और तरक्की के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे हम 10 साल पीछे हो गए। नायक साहब, आप जानते हैं कि मेरे और अनिल जी के खास मरासम अपने जाति मरासम थे और अजीत जी के साथ मेरा वालहाना एक वालहाना मोहब्बत थी, क्योंकि जब मैं लवपेड का सदर था उस वक्त अजीत जी शाना बशाना मेरे साथ चलते थे और आज भी वो यादें मुझे वो वक्तन फवक्तन अपनी दुकान पर दिलाते थे। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से, गवर्नर महोदय से मेरी ये अपील है कि उनके घर में 5 बच्चों के सिवा और 2 विडोज के सिवा कोई पालनहार नहीं है। फौरी तौर 2 बच्चों को, एक अजीत जी के बच्चे को और अनिल जी के बच्चे को गवर्नमेंट मुलाजमत दी जाए और उनको माकूल एक्सग्रेशिया भी दिया जाए ताकि
वो चला सके उस घर को, वरना वो घर वैरान है। वो घर ही वैरान नहीं है बल्कि 7-8 दिन से पूरा किश्तवाड़ वैरान।